तो वन में भाई लोग क्या हाल चल है यार। फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू कंट्रोल योर एम। गाइस आप अपना एम एक बार कंट्रोल करना सीख गए ना, तो गाइस आप अपना एम को बंदी के हेड के ऊपर ले जा पाओगे एंड हर एक शॉट वन टैप शॉट कर पाओगे। लेकिन अपना एम को कंट्रोल करे कैसे? सो गाइस अब यार इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे ना, एंड इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ट्रिक बताओ वो ट्रिक को फॉलो करोगे ना, सो गाइस आप अपने एम को कंट्रोल कर पाओगे। एंड अपने एम को जब कंट्रोल कर पाओगे सो गाइस आप लोग आसानी से वन टैप शॉट मार पाओगे, हर एक चीज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। So guys, बस आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक देखना, इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताओ ना वो अच्छे से आप लोगों को फॉलो करना है, उसके बाद आप अपने एम को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलो मेरे वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे अगर आप लोगों के पास डीजीएल का डायमंड नहीं है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक देगा, मैं फॉलो करो, डीएम करो, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो फिर हम लोग बात करते हैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, जो टिप्स एंड ट्रिक्स देख के आप लोग अपना एम को कंट्रोल कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एम कंट्रोल ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो पहला ट्रिक है ना काफी ज्यादा बढ़िया ट्रिक है, सो गाइस इसको फॉलो करना जरूर, ठीक है। सो गाइस आप लोग जब वन टैप मार दो ना, ठीक इसी तरह से आप लोग वन टैप मारने की कोशिश करते हो एंड आप लोगों का वन टैप हेडशॉट ऐसे जैसे मेरा नहीं लग रहा है ना इधर, आप लोगों का ऐसे ही वन टैप हेडशॉट नहीं लग। देखो मेरा सारा बुलेट बंदे की बॉडी पे कनेक्ट हो रहा है, एक भी बुलेट बंदे की हेड पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब यार किस लिए कनेक्ट नहीं हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं। एंड इधर आप लोगों को एक टेक्निक यूज करना है, जैसे ये टेक्निक आप लोग यूज करने लगोगे ना, तो गाइस आप लोगों का जो बुलेट है ऐसे बॉडी पे लग रहा है वो हेड पे लगने लग जाएगा। तो गाइस अब ये टेक्निक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये टेक्निक है अपना जॉयस्टिक, देख पा रहे हो ये जो जॉयस्टिक है ना इसको आप लोगों को यूज करना है। अब ये कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैंने जंप करके वन टैप मारने के आगे मेरा जो जॉयस्टिक है ना उसको ऐसे स्लाइड करके राइट साइड पे ऐसे ले आया एंड उसके बाद ड्रैग किया, मैंने जॉयस्टिक के ऊपर टच किया। तो गाइस आप लोगों को ये चीज करना है, रन एंड वन टैप हेडशॉट, आप लोगों को तुरंत जंप करके वन टैप हेडशॉट नहीं मारना है। आप लोगों को अब ये क्या करना है, अपना जो कैरेक्टर है ना पहले जंप करवाना है एंड उसके बाद अपना जो जॉयस्टिक है ना वो लेफ्ट एंड राइट कहीं पर भी स्वाइप एंड अपने कैरेक्टर को राइट एंड लेफ्ट साइड पे ऐसे दौड़ाओ एंड उसके बाद ड्रैग कर दो, इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। सो गाइस आप लोग एक बार देख लो क्लिप, जैसे मैं इधर वन टैप मार रहा हूं ना बस इसी तरह से वन टैप मारना है, आप लोग अपना जॉयस्टिक को यूज करना है, ठीक है। इससे अपना जो एम है ना कंट्रोल में आ जाता है, ड्रैग करने पे हेड पे लगने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला जो एम कंट्रोल ट्रिक है ना काफी अमेजिंग ट्रिक है। सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना जो फायर बटन है ना ऐसे सॉलिड ऊपर ड्रैग नहीं करना है, ऐसे वन टैप लगने का चांस बहुत कम रहता है। अगर अपने एम को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों का एनिमी राइट साइड पे है तो गाइस आप लोगों का अपना फायर बटन को ऐसे राइट साइड पे ड्रैग करना पड़ेगा, जैसे ही देख पा रहे ऐसे राइट साइड पे ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का एनिमी लेफ्ट साइड पे है तो गाइस आप लोगों को लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है। सो गाइस आप लोगों को बस ये चीज आप लोगों को फॉलो करना है, बंदा राइट साइड पे तो राइट साइड पे ड्रैग करो, लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे ड्रैग करो। सो गाइस इससे क्या होता है बंदे की हेड पे कनेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो गाइस ये वाला ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब यार गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो ना, अपने एम को कंट्रोल करके वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो ना, तो गाइस इसमें काम आएगा जनरल एंड रेड डॉट सेंसिटिविटी। सो गाइस ये दोनों का सेंसिटिविटी क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना जनरल सेंसिटिविटी को पूरा 100 कर दो एंड ये जो रेड डॉट है ना इसको कर दो 50। सो गाइस अब ये देख पा रहे हो यहाँ पर जनरल को मैंने 100 कर दिया, रेड डॉट को 50 कर दिया। लेकिन मैं पहले कौन सा सेंसिटिविटी यूज करता था पता है, मैं पहले दोनों को ही 100 कर देता था एंड वन टैप हेडशॉट काफी अच्छा लगता था भी। लेकिन अभी जो न्यू अपडेट आया ना, अपडेट करने के बाद ना दोनों 100 कर रहे हो तो वन टैप हेडशॉट बहुत कम लग रहा है, लेकिन मैं जब रेड डॉट को 50 कर दिया ना तो वन टैप हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो गाइस आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, रेड डॉट को 50 एंड जनरल को 100 कर सकते हो। सो गाइस इससे हेडशॉट लगने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। अब यार एम को कंट्रोल करने के लिए अपना जो ड्रैग फायर बटन है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो गाइस इसका परफेक्ट साइज एंड परफेक्ट पोजीशन नहीं होगा ना तो गाइस आप लोग अपने एम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो गाइस इसका सबसे पहले परफेक्ट साइज के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबली इस फायर बटन को ड्रैग कर पा रहे हो ना, तो गाइस इसका साइज में छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग कंफर्टेबली ड्रैग नहीं कर पा रहे हो, हाथ इधर उधर लग के इधर से ड्रैग हो रहा है इधर से ड्रैग हो रहा है लेकिन फायर बटन ड्रैग नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से ड्रैग कर रहे हो। सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना जो ड्रैग फायर बटन है ना इसका जो साइज है ना अपने उंगली है ना जो उंगली को डिस्प्ले के ऊपर और उसी के साइज के हिसाब से इसका साइज करो एंड उसके बाद ड्रैग करोगे ना तो बहुत ही स्मूथली ड्रैग कर पाओगे एंड हर एक ड्रैग परफेक्ट होगा, ओके। एंड साथ ही इसका परफेक्ट पोजीशन के बारे में बात कर लो, जिन लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है ना, यानी आप लोगों के पास 6GB 4GB रैम वाला डिवाइस है ना, तो गाइस जहां पर है फायर बटन उधर रहने दो। लेकिन अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है तो गाइस इसको जितना हो सके नीचे कर दो। जब फायर बटन ऐसे नीचे होगा ना आप लोग ड्रैग करोगे तो ऊपर बहुत जगह रहता है, ड्रैग बहुत ही स्मूथली होता है, तो गाइस वन टैप लगने का चांस बढ़ जाता है। सो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे ड्रैग फायर बटन का रोल प्ले कितना करता है। सो गाइस अब इस वीडियो के अंदर जो जो ट्रिक बताया वो ट्रिक फॉलो करके आप अपने एम को कंट्रोल कर सकते हो, तो जरूर ये सारा ट्रिक आप लोग फॉलो करना है, अपने एम को कंट्रोल करके बहुत ही आसान से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट वाला वीडियो पर मिलते हैं। तो चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर देना एंड अगला कौन सा टॉपिक का वीडियो बना वो भी मेरे को कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप गुड बाय।